बलूट थाना क्षेत्र में फिल्मी अंदाज में लूट की वारदात सामने आई, जिसमें लुटेरों ने बंदूक की नोक और आंखों में मिर्ची डाल कार लेकर फरार होने की वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलने पर बलूट थाना अधिकारी मनीष सोनी, जावाल चौकी प्रभारी सपाराम राणा सहित पुलिस के जवान घटना स्थल पर पहुंचे और उच्च अधिकारियों को घटना की जानकारी दी, जिस पर पुलिस अधीक्षक कल्याणमल मीणा ने सिरोही जिले सहित जालौर एसपी से वार्ता कर जालौर जिले के थानों में नाकाबंदी करवाई। वहीं इस लूट की वारदात के बाद मौके पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हर्ष रत्रु, पुलिस उपाधीक्षक अंकित जैन भी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। कार चालक सरदार खान ने पुलिस को बताया कि सिरोही के गोयली चौराहे पर दो लोग आए, जिन्होंने देलदर जाने के लिए 1000 रुपए में गाड़ी किराए पर ली, जिस पर कार चालक दोनों को देलदर छोड़ने के लिए रवाना हुआ। उस दौरान बल्लू थाना क्षेत्र के मंडवारिया बावली चौराहे पर बदमाशों ने कार रुकवाई और कार चालक की कनपट्टी पर पिस्तौल तानी और आंखों में मिर्ची डाली। इसके बाद मोबाइल और कार को लेकर ये बदमाश मौके से जालौर की तरफ फरार हुए। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए आसपास के इलाकों में नाकाबंदी की। इसका नतीजा ये हुआ कि सख्त नाकाबंदी को देखकर लुटेरे जालौर के बागरा में कार छोड़कर फरार हो गए। राजस्थान की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए ई न्यूज राजस्थान को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।